नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं सुबह जब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल खबरों के बीच एक सामाजिक अपराध की खबर मुझे दिखी और मेरा माथा ठनका। मैं उस खबर को पढ़ता रहा, मुझे लगा कि इस पर आज बात करनी चाहिए। सामाजिक अपराध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये खबर थी कि एक दलित लड़के ने, गुजरात में कच्छ का रहने वाला, उसने अहमदाबाद के पास के गांव की एक अपर कास्ट की लड़की से शादी की। दोनों के बीच में मोहब्बत थी और शादी से उसके घर वाले नाराज़ थे लड़की के, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक जो दोनों के बीच बचाव करने वाली टीम थी, उसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे और पुलिस भी थी। एक पुलिस कांस्टेबल, महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उसको लेकर वो लोग गए और उन्होंने लड़की के परिवार वाले को मनाने की कोशिश की। जिस लड़की से दलित युवक ने शादी की थी, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो लड़की का पक्ष है, उसके घर के लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर लें। अगर हम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है अपने को, हमारा जीवन ठीक से चल रहा है, तो परिवार को भी ज़रूर मनाना चाहिए, उनको भी प्यार मोहब्बत से हम समझा सकते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत से समझाने की इस कोशिश में उस लड़के की जान चली गई। उसको लड़की के पिता सहित कई लोग आए, 8 लोग संख्या बता रही है पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, और पुलिस सूत्रों को कोट करते हुए अखबार ने जो खबर लिखी है उसमें बताया जाता है कि 8 लोग आए और लड़का जो सरकारी गाड़ी पर ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में बैठा था और अंदर निगोशिएशन चल रहा था, उस लड़के को उन्होंने बाहर निकाला और मारना शुरू किया, और इस कदर मारा कि जो लाठी, पत्थर या तलवार, तमाम तरह के छुरे इससे मार करके उसको ख़त्म कर डाला। अपने ही दामाद को यूं कहा जाए, भले उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था लेकिन उनकी बेटी ने शादी की थी, इस तरह ख़त्म कर दिया। हमारा कहना है कि आखिर ये जो स्थितियां हैं एक ऐसे राज्य में कैसे होती हैं, जो राज्य इस देश का एक तरक्की, ऐसा राज्य जो कहता है कि हमने बहुत प्रगति की है और पूरे देश के लिए, जिस राज्य के बड़े कर्णधार, बड़े नेता कहते हैं कि ये पूरे देश के लिए एक मॉडल स्टेट है, यानी विकास का मॉडल, तो आखिर हमारे विकसित राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्यों बेतहाशा हो रही हैं? गुजरात का अगर आप रिकॉर्ड देखिए तो इस तरह की घटनाएं, ये इकलौती घटना नहीं है, इस तरह की अनेक घटनाएँ होती रहती हैं। और दलित अत्याचारों के मामले में गुजरात जो है हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है, और ऊना की घटना के बाद तो ऐसा लगा था, आपको याद होगा कुछ ही साल पहले की बात है, ऊना में दलितों पर जिस तरह का अत्याचार हुआ था उसने पूरे देश की एक संवेदनशीलता को हिला कर रख दिया था, राजनीति में भूचाल सा आ गया था। जिग्नेश मेवाड़ी उन्हीं दिनों एक युवा नेता के रूप में उभरे थे। तो हमारा ये कहना है कि अगर गुजरात जैसे स्टेट में ये सब होता है तो कहीं ना कहीं हमारे विकास के मॉडल में ज़रूर खोट है, कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक सोच का की जो बुनियाद है कि आर्थिक अगर मजबूती आ जाएगी समाज को तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें भी कोई समस्या है। वो क्या है हम इसी को देखेंगे, और यह भी देखेंगे कि गुजरात में आज जो हम बात करते हैं कि वहाँ पर एक ज़माना था 2002 में जब कॉमनल राइट हुआ था, एक तरह का कत्लेआम था, वो राइट ही नहीं बल्कि एक कत्लेआम था, क्या वजह है कि वहाँ की सियासत बिल्कुल बदल गई, वहाँ घृणा जो है, नफरत जो है, विभाजन जो है, वो कैसे स्थायी भाव बन गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए अब तो आजकल दंगे कम हो रहे हैं, हालांकि हमने देखा कि अभी कुछ ही साल पहले मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, और दंगे अब लोगों के यहाँ, हमारे भूगोल में अगर आप देखिए तो दंगे उस तरह से नहीं होते जैसे पहले होते थे, अब दंगे दिमागों में चल रहे होते हैं कुछ लोगों के, अब दंगे सड़क पर हो जाते हैं, ट्रेन में हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं, कहीं भी किसी को लिंच कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो दंगों का रूप बदल गया है ऐसा लगता है।
और दोस्तों मॉब लिंचिंग के बारे में आप देख रहे हैं हमारे समाज में। अभी हाल में झारखंड में जो सबसे लेटेस्ट मॉब लिंचिंग की घटना दर्ज हुई, जिसमें तबरेज अंसारी को झारखंड में मार डाला गया। इस तरह की मॉब लिंचिंग 2014 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2014 से पहले मॉब लिंचिंग हुई नहीं, बल्कि झारखंड में ही कई जगह डाइन बताकर महिलाओं को भीड़ द्वारा मार डाला जाता रहा है। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग, जिसमें कि संप्रदाय विशेष के लोगों को घेर करके मार डाला जाता है और अजीब अजीब तरह के छोटे बहुत ही निम्न स्तरीय जो आरोप लगा करके लोगों को ख़त्म किया जाता है, वो हैरतअंगेज है। और मैं रॉयटर की एक रिपोर्ट देख रहा था और भी दूसरी एजेंसीज की रिपोर्ट, 130 घटनाएं हाल के वर्षों में दर्ज हुई हैं, जिसमें 311 लोग भुक्तभोगी हैं, 47 से अधिक लोग मारे जाने की रिकॉर्डेड ये कहानी है इसमें, मॉब लिंचिंग को लेकर इस स्टोरी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी मसलों पर एक ईमानदारी से संजीदगी के साथ विचार करने की जरूरत है। और मुझे याद आ रहा है कि सन 2002 में गुजरात के दंगों के बाद न जाने इस देश में कितनी किताबें लिखी गई, लेकिन गुजरात के दंगों के बाद कैसे वहां के समाज और सियासत में एक बड़ा बदलाव आ गया, इसको लेकर अभी हाल में एक पत्रकार हैं रेवती लाल, जिन्होंने NDTV में वो ब्यूरो चीफ थी, उन्होंने एक किताब अभी हाल में लिखी है। बताते हैं कि 10-12 साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है और उनका ये मानना है कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात नाम का जो प्रदेश है वह दो भागों में विभाजित हो गया। बिल्कुल दो तरह के सोच, दो तरह का मिजाज, दो तरह की बातें, दो तरह का मतलब समझ लीजिए कि पूरी की पूरी मानसिकता उस विभाजन का गवाह बन गया गुजरात। रेवती लाल का कहना है, वो स्वयं वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि वही राजनीति अब पूरे देश में फैल गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी किताब का नाम है द एनाटॉमी ऑफ हेट, जो अभी हाल में आई है, जिसकी काफी चर्चा है। तो ये जो पहलू है गुजरात का, मैं समझता हूं कि उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है उन लोगों को भी जो गुजरात की तरक्की में पूरे देश की तरक्की देखते हैं और उसको एक मॉडल स्टेट के रूप में, एक आदर्श राज्य के रूप में पेश करते रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो कास्ट हेट्रेड है, ये जो कम्युनल हेट्रेड है, ये जो रिलीजियस हेट्रेड है, हम उस पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम समाज की जो बुनियाद है उसमें जो जड़ें इसकी हैं, इस नफ़रत की, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये नफ़रत का जो बजबजाता हुआ नाला है ये कहीं ख़त्म क्यों नहीं होता, ये लगातार ये बढ़ता ही जाता है, ये कभी सूखता क्यों नहीं है, ये परनाले की तरह हमारे दिमागों से क्यों उफनता रहता है। ये एक मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न है जिसको हमारे बड़े समाजशास्त्री, बड़े राजनेता, इन सभी लोगों ने ठीक से समझा नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे मैं एक सवाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, पहले भी हमने देखा, इधर भी देख रहा हूँ मैं, कि सरकार ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी है, धार्मिक संगठन इतने इस देश में हैं, आप जिस इलाके में भी जाइए इस देश के, कमोबेश दक्षिण में थोड़ा कम है लेकिन उत्तर में, मध्य में, आप जहाँ भी जाइए इस वक्त शोभा यात्राएं निकलती हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोई स्कूटी को पार्क कर रहा है उसको लेकर विवाद हो जाता है, कहीं दंगा हो जाता है, कहीं फसाद हो जाता है, अचानक तमाम तरह के रंग बिरंगे ढंग के कपड़े पहने हुए लोग घंटियां बजाते हुए निकल पड़ते हैं, कहीं टोपियां पहनकर लोग निकल पड़ते हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन सियासत में अगर आप जब भी देखिए तो कहा जाता है कि मुस्लिम लोग जो हैं, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, बहुत पिछड़े हैं, उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 3 तलाक बिल हमारे देश में आया, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये सब ठीक है, लेकिन सत्ताधारी दल हो, सरकार हो, या हिंदू महासभा हो, या RSS हो, या BJP हो, उनको सब कुछ मुसलमानों के बीच में, यानी इस्लाम के बीच में, जो भारत में इस्लामी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें तो सामाजिक रिफॉर्म्स, धार्मिक रिफॉर्म्स की सुधार की ज़रूरत उनको महसूस होती है, लेकिन हिंदू धर्म में जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, हालांकि हिंदू धर्म के बारे में अगर आप परिभाषा पूछिए तो बहुत जटिल है, लेकिन जो भी अपने को हिंदू कहने वाले लोग हैं या जिनको हमारे सियासतदान हिंदू समझते हैं, उन लोगों के बीच किसी तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमारी सरकार और सत्ताधारी दल क्यों नहीं महसूस करते? आखिर क्या वजह है कि हिंदू धर्म को मानने वाला ही एक समाज
दूसरे समाज को जो हिंदू धर्म को ही मानने वाला है उसको सिर्फ इसलिए मारना शुरू कर देता है, इसलिए पीटना शुरू कर देता है कि वो मंदिर में क्यों घुस आया, वो इसलिए मारना पीटना शुरू कर देता है कि वो क्यों खाल निकाल रहा था मरे हुए जानवर की, वो इसलिए मारना शुरू कर देता है कि वो उसकी बेटी के साथ मोहब्बत करके शादी क्यों कर लिया। ये जो सिलसिला है ये अनंत काल से चला आ रहा है और आज़ादी के बाद संविधान बनने के बाद खास तौर पे इस पर लगाम लगनी चाहिए थी लेकिन नहीं लगी। तो रिफॉर्म्स के लिए हमारे सत्ताधारियों ने सिर्फ इस देश के एक धर्मावलंबियों को चुना है और उनका नाम है मुसलमान। मैं बिल्कुल मानता हूं कि मुसलमान वाकई बहुत सारे हलकों में बहुत पिछड़े हैं, गरीबी भी उनके बीच में बहुत ज़्यादा है, असमानता भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन ये कमाल की बात है कि देश का जो बहुसंख्यक धार्मिक समाज है वह अपने बीच कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं महसूस करता, जबकि सबसे अधिक क्राइम, सबसे अधिक जो इस तरह की घिनौनी हरकतें हैं, मारने की, काटने की, पीटने की, छुआछूत की, तमाम तरह के शोषण उत्पीड़न की सर्वाधिक यही है, क्योंकि सबसे अधिक आबादी भी यही है। तो जिस समाज की, जिन धर्मावलंबियों की इस देश में तकरीबन 75% से अधिक, बल्कि 80% के आसपास आबादी है, आखिर उस धार्मिक समूह में, उन धर्मावलंबियों में हमारे सत्ताधारी हमारे जो शासन करने वाले लोग हैं, सियासतदान, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं कर रहा हूँ, वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस करते और रिफॉर्म्स क्या हो सकता था, इसकी चर्चा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की थी। आज़ादी की लड़ाई के समय भी इसको लेकर भी तमाम सवाल उठे थे और सबसे प्रमुखता से इन प्रश्नों को रखने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने भी कई रिफॉर्म्स की बात की और लोगों ने भी की, लेकिन आप देखिए जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के सवाल पर बहुत सारे उनकी असहमतियाँ थीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही लोग जो चाहते थे वो रिफॉर्म्स अंबेडकर जिस तरह का, उससे असहमत थे और बहुत सारी नाराजगियों के बीच उनका इस्तीफा हुआ था कैबिनेट से। हालांकि उस इस्तीफे में हिंदू कोड बिल के ही प्रश्न पर जो असहमति पार्टी में थी सिर्फ या सरकार में थी वही एक इशू नहीं था, उसमें रिजर्वेशन का भी इशू था, ओबीसी का सवाल भी था। ओबीसी हालांकि उस समय नाम ये कैटेगराइजेशन नहीं हुआ था, पिछड़ी जाति कह लीजिए आप उन दिनों के लिए, उनके बारे में भी कि कमीशन क्यों नहीं बना, विदेश नीति का भी सवाल उसमें उठा था। तो ये तमाम उनके इस्तीफे से, नेहरू कैबिनेट से उनकी इस्तीफे के पीछे कम से कम 3 सवाल थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिफॉर्म्स की बात जो शुरू की, हम ये आज समझना चाहते हैं, ये सवाल करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो पैरोकार हैं, उन्होंने केवल मुसलमानों के बीच में रिफॉर्म्स का तो ठेका लिया, वहां ठीक करने के लिए तो उन्होंने कानून से लेकर और तमाम चीज़ों का उन्होंने पक्की पहल की, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों के बीच रिफॉर्म्स की किसी ज़रूरत से वो क्यों इनकार करते हैं? वर्ण व्यवस्था हमारे समाज की वो चीज़ है, आखिर क्या वजह है कि हमारे समाज में इतनी हेट्रेड है, इतनी नफरत है, इतनी मारकाट है? मैं समझता हूँ, और ये सिर्फ मैं नहीं, इस देश के सर्वाधिक यशस्वी विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही बात कही थी कि कास्ट इज एंटी नेशन। उन्होंने कहा था कि कास्ट इज एंटी डेमोक्रेसी, जनतंत्र के खिलाफ है जाति। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने माना था कि यह नेशन बिल्डिंग के खिलाफ है। नेशन बिल्डिंग के सामने अगर सबसे बड़ी कोई अड़चन है तो वो वर्ण व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग तमाम धर्मों में रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो अपनी वर्ण व्यवस्था में रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं करते? वो जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? वो गैर बराबरी वर्ण के आधार पर खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है यही वो यक्ष प्रश्न है जिस पर ये धर्म के जितने ठेकेदार हैं, चाहे वो सनातन संस्था बनाकर काम कर रहे हों, हिंदू महासभा बनाकर काम कर रहे हों, RSS बनाकर काम कर रहे हों, वो सारे खामोश हो जाते हैं। क्या वजह है कि इस पर सभी खामोश हो जाते हैं? क्यों रहनी चाहिए वर्ण व्यवस्था? क्यों रहनी चाहिए जाति व्यवस्था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आपको याद दिलाऊं, 25 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान एडॉप्ट किया जा रहा था और अभी कुछ समय बाकी था, उसके कुछ ही घंटे पहले उन्होंने एक भाषण दिया था संविधान सभा में, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर, मैं कोट करता हूं, अगर सामाजिक आर्थिक समानता नहीं हासिल हम करेंगे, सामाजिक आर्थिक दोनों की बात उन्होंने की, तो भविष्य में हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में होगा। दोस्तों,
इस मुकाम पर जबकि हम आर्थिक रूप से बहुत तरक्की करते नजर आते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के रूप में वाकई कमजोर हो रहे हैं। हमारी डेमोक्रेसी वाकई खतरे में दिखाई दे रही है, और वो इसलिए क्योंकि हम किसी भी तरह के रिफॉर्म्स को अपने समाज में, अपने बहुसंख्यक जो धार्मिक समाज है इस देश का, उसमें किसी तरह के रिफॉर्म्स के लिए हम तैयार नहीं हैं। यही आज का प्रश्न था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक आलोचना, आपका एक एक सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, और इस बहस को आगे ले जाने की जरूरत है कि आखिर हम अपने समाज में क्यों सुधार नहीं करना चाहते, जिससे कि जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर दंगे हों, फसाद हों, नफरत का परनाला बहे और लोगों की हत्याएं हो जाएं शादी करने के नाम पर, कि मोहब्बत से, प्रेम से क्यों कोई शादी कर लिया, जाति तोड़कर क्यों कोई शादी कर लिया। आई थिंक इन दीवारों को तोड़ने से पहले हमें अपने दिमागों में जो दीवारें पड़ी हुई हैं, जो बगनखी दीवारें, बल्कि यूँ कहे कटीले तार जो हमारे दिमागों में हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।